Well, of course, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? तो भैया, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोमांच पूर्वक रहने वाला है. इसलिए जितना हो सके एपिसोड को लाइक कीजिए. इसी नोट पे आज का एपिसोड शुरू करते हैं. तो गाइस, एक खबर जो कल से यहाँ पर सुर्खियां बटोर रही है वो है शाहरुख खान के इंटरव्यू के बारे में. भाई, शाहरुख खान यहाँ पर एक मैसेज जो है रिकॉर्ड करके संतोष सिवन जी के लिए दे रहे थे, एंड वहां पर पता नहीं कहां से फैंस ने वो फोटो को जूम किया, उसको घूर के देखा. यूजुअली यू नो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट रहती है, फैंस हर एक चीज नोटिस करते हैं, लेकिन दैट थिंग वॉज आस्किंग फॉर अटेंशन. नाउ कैन यू बिलीव इट? शाहरुख खान के जो स्टाइल है, उनकी अदा है, उसके बारे में क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. क्योंकि गाइस, ऐसा कोई करता नहीं है, एंड दिस हैज बीन डन ऑन पर्पस. शाहरुख खान वांटेड टू सेंड अ मैसेज आउट क्लियरली इन द ओपन कि यस, माय नेक्स्ट फिल्म इज किंग, एंड व्हाट आई सॉ रियली बैफल्ड मी. सो गाइस, अब क्या पूरा सीन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. संतोष सिवन जी जो है हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े सिनेमाटोग्राफर, आई मीन ही इज अ वेटरन. तो अभी क्या हुआ, संतोष सिवन जी ने यहाँ पर प्रेस्टिजियस पियर एग्नियोएक्स एक्सेलेंस जो है सिनेमाटोग्राफी में 77th कांस फिल्म फेस्टिवल में उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया. तो यहाँ पर गए शाहरुख खान ने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया, उन्होंने कहा कि संतोष सिवन जी को, यानी कि हम जिनको संटा बोलते हैं, उनको ये अवार्ड मिला, उनकी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. मैं बहुत कुछ सीखा हूँ उनसे. संतोष सिवन इज अ मैजिकल गाय. दिल से फिर भी दिल हिंदुस्तानी का सिनेमाटोग्राफी संतोष सिवन जी ने किया था, एंड अशोका अ जेम ऑफ अ मूवी, क्योंकि बहुत चलनी चाहिए थी. गाने तो ब्लॉकबस्टर थे. तलाजी तो उस फिल्म में यहाँ पर सपोर्टिंग एक्टर था यहाँ पर शाहरुख खान का, एंड बहुत अच्छी फिल्म थी. इंडियन के साथ क्लैश हुई थी इसलिए थोड़ा नुकसान हुआ था पिक्चर को, ना फिल्म काफी अच्छी थी, गाने ब्लॉकबस्टर थे. उसको डायरेक्ट किया संतोष सिवन ने. वो इंटरव्यू शाहरुख खान दे रहे थे, एंड शाहरुख खान के पैर के पास एक बाउंड स्क्रिप्ट थी, यानी कि टेबल पर, एंड वहां पे लिखा हुआ था किंग. तो यहाँ पर द किंग wants us to know कि आई एम ऑल सेट एंड रेडी फॉर नन देन किंग. तो ये कल फोटो जब खूब वायरल हुई है, 24 घंटे हो गए इस खबर को, सुबह से मैं देख रहा हूँ. तो भैया, हमने डिसाइड किया आप सभी लोगों को बता दें. तो शाहरुख खान ने ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है कि उसकी अगली पिक्चर जो है किंग होने वाली है. टाइटल भी किंग है. हम इंतजार रहेगा कि कब इसके अनाउंसमेंट आते हैं, कब इसकी ऑफिशियल शूटिंग जो है शुरू होती है. अब ये तो थी ऑफिशियल खबर. ओरिजिनल खबर एक बहरूपिया है जो कि सुबह से इंटरनेट पर घूम रहा है, शैतान 2. इस पोस्टर ने सबको हैरान कर दिया है. फैंस की एक्साइटमेंट है, फैंस कुछ ना कुछ मस्ती करते रहते हैं. सबके साथ हुआ है, हर आदमी के साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है. शैतान 2 का पोस्टर जो है यहाँ पर सोशल मीडिया पे किसी ने वायरल कर दिया. बड़े बड़े ट्रेड एनालिस्ट के यहाँ पर डुप्लीकेट अकाउंट बनाकर शेयर कर दिया. इसमें एक घोचू है जो कि बहुत बड़ा अपने आप को जर्नलिस्ट समझता है, उसने ऑफिशियली ट्वीट कर दिया कि शैतान 2 आ रही है, शैतान 2 का पोस्टर रिलीज कर देगा. शैतान 2 बनेगी, सबको मालूम, मेरे को मालूम है, लेकिन जो पोस्टर फिलहाल सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है वो एक फेक पोस्टर है. ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट देवगन फिल्म्स ने या अजय देवगन ने या फिर किसी ने भी विकास बहल ने जो है नहीं किया, तो ये पोस्टर फेक है. लेकिन यस, शैतान 2 जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर बनने वाली है. अब भैया बात करते हैं अजय देवगन की, औरों में कहाँ दम था. मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए. सुन की रिपोर्ट बहुत ही सेक्सी है, मजा आया तुम लोगों को इस फिल्म को देखकर. भैया तब्बू को देखना चाहते भाई देवगन के साथ, मजा आने वाला. तो गाइस, यहाँ पर सभी लोगों को पता है कि कैंस में इंडियन पवेलियन में कनप्पा और औरों में कहा दम का जो है टीजर दिखाने वाला था. तो कनप्पा लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं उन लोग, वो बोल रहे कि शायद यू नो पब्लिक को जून में दिखाएंगे. एनएच स्टूडियो वाला का जो यहाँ पे करता धरता है, उन्होंने कहा था कि औरों में कहा दम का भी यहाँ पर टीजर जो है जो सेंसर हुआ है दिखाएंगे. लेकिन अभी गाइस 40 सेकंड का एक और टीजर जो है यहाँ पे औरों में कहा दम का जो है अजय देवगन तब्बू का, वो यहाँ पर सेंसर हुआ है. तो बहुत जल्दी जून के पहले हफ्ते में ही आपको वो 40 सेकंड का टीजर जो है यहां पर देखने मिलेगा. तो ब्रेस योरसेल्फ्स अजय देवगन फैंस, अजय देवगन इज कमिंग विद अ रियली कूल मूवी नाउ. अब गाइस बात करते हैं, ये खबर 2021 की है. हम सभी लोगों को पता है किस तरह से सलीम जावेद की डॉक्यूमेंट्री जो है जिसका नाम था एंग्री यंग मैन, इसको सलमान भाई, फरहान और जोया अख्तर जो है यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे थे साथ में. इसमें आपको लेजेंडरी सिनेमा, हमारे इंडियन सिनेमा के राइटर्स है, यानी कि जावेद अख्तर एंड सलीम खान जो है, इनकी कहानी जो हमें बताई जाएगी डॉक्यूमेंट्री बनाकर. तो गाइस फाइनली एंग्री यंग मैन जो है यहाँ पर सबके इंटरव्यूज लिए जाएंगे, वो बहुत जल्दी ओटीटी पर प्रीमियर होने वाली है. यस फ्रेंड्स, ओटीटी पर आ रही है, एंड इसका जो अनाउंसमेंट है जस्ट राउंड द कॉर्नर. लेट्स सी गाइस ये किस तरह से होती है, तो वक्त ही बताएगा. अब गाइस बात करते हैं वेलकम टू द जंगल. तो गाइस सभी लोगों को पता है संजय दत्त का रोल जो है
जो कि डॉन बने इस पिक्चर में, बहुत ही प्यारे डॉन बने हैं, उसका रोल कर रहे हैं सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी का जो रोल था वो कर रहे हैं जैकी श्रॉफ, मतलब जिसका जो मर्जी है करे। तो गाइस आज मीडिया में बात पता चली है कि यहाँ पर सुनील शेट्टी जो है वो एक बहुत ही प्यारे डॉन का किरदार कर रहे हैं। तो क्या वो येड़ा अन्ना है? नहीं, येड़ा अन्ना नहीं है। येड़ा अन्ना एज ए कैरेक्टर जो कि शायद आवारा पागल दीवाना 2 जो है उसके सीक्वल में जो है वहां पर काम आएगा, लेकिन फिलहाल वेलकम टू द जंगल में यहाँ पर सुनील शेट्टी जो है काफी एक अच्छे लवेबल डॉन कहा जा रहा है उनको, उस किस्म का किरदार जो है यहाँ पर निभाने वाले। अगली खबर आ रही है यहाँ पर तृप्ति डिमरी की। बहुत दिनों से एक खबर जो है मार्केट में घूम रही है कि तृप्ति डिमरी जो है पुष्पा 2 में आइटम सॉन्ग जो है करने वाली है। आज तो इतना आ गया कि उन्होंने लिखा है कि द सॉन्ग अभी बहुत जल्दी जो शूटिंग है वो करनी है। पहले जानवी कपूर थी इस गाने में, ऐसा रिपोर्ट बोल रही है, उसका सच्चाई है नहीं मैं आपको बताऊंगा। जानवी कपूर जो है वो ये गाना करने वाली थी, लेकिन मिस्टर मिसेस माई का प्रमोशन है, रिलीज है, इसलिए वो गाना नहीं कर रही है। सॉन्ग जल्दी शूट करना है इसलिए 7 दिनों के लिए हैदराबाद जो है तृप्ति डिमरी जा रही है एनिमल के बाद, अब ये गाना वो करने वाली है। गणेश मास्टर इसको कोरियोग्राफ करने वाले हैं। तृप्ति के पास 2 दिन है इसके शूट को प्रिपेयर करने के लिए, एंड गाइस यहाँ पर ये गाना बहुत बड़ा होने वाला है। तो गाइस ये तो थी खबर जो कि अखबारों में थी, अरे पिछले कई दिनों से सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन गाइस असलियत में ये है कि तृप्ति डिमरी जो है यहाँ पर गाना नहीं कर रही है। यस फ्रेंड्स, ये खबर सरासर गलत है, तृप्ति डिमरी जो है पुष्पा 2 में आइटम सॉन्ग नहीं कर रही है। अब वो कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये अब पता लगाने का पड़ेगा रे बाबा। तो जब होगा, जब सेट पर पहुंचेगी महिला तब आपको बताया जाएगा। बहुत बहुत आसान कन्वीनियंट आंसर दे दिया भाई। तो गाइस अब बात करते हैं आमिर खान के बेटे यहाँ पर जुनैद खान। देखिए गाइस, जुनैद खान की जो पर्सनैलिटी है पर से कन्वेंशनल एक्टर की तरह नहीं है। फर्स्ट लुक पोस्टर आया है यहाँ पर महाराज का, मैंने पहले ही बोला है काफी कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, सिद्धार्थ मल्होत्रा इसको, पी मल्होत्रा इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। जयदीप अलावट इज लुकिंग वेरी नाइस, बहुत अच्छा एकदम अमेजिंग पोस्टर जो है उस तरह से कहूंगा गाइस यहाँ पर, लेकिन सेम कैनॉट बी सेड अबाउट जुनैद खान। अब लेट्स सी, जुनैद खान जब अपना मुंह खोलेंगे डायलॉग बोलने के लिए तब पता चलेगा कि वो एक्टिंग कर पाते या नहीं कर पाते। फिलहाल लुक उनका काफी डिसेंट लग रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू यूज एडजेक्टिव्स राइट नाउ, लेकिन आई विल यूज एडजेक्टिव्स वेन द टीजर एंड द ट्रेलर कम्स। फिलहाल ठीक ठाक लग रहा है, कर्ली हेयर है, फेक मुस्टैच है दिखाई दे रही है गाइस यहाँ पर, एंड शर्ट पहन के जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं। द फाइट फॉर ट्रूथ बिटवीन अ पावरफुल मैन एंड अ फियरलेस जर्नलिस्ट बेस्ड ऑन द ट्रू इवेंट्स महाराजा रिलीजिंग ऑन 14। तो भैया हम खबर 10 दिन पहले दे दिए थे भाई कि नेटफ्लिक्स पर 14 तारीख को आने वाली है, तो आज यहाँ पर यशराज फिल्म्स जो है उसने उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है। सो मच के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा, आपसे पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्वामानंद साहिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।